देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। पुलिस आयुक्त नगरी इंदौर हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा इंदौर कमिश्नरेट में हत्या एवं अन्य गंभीर अपराधों पर नियंत्रण हेतु इनमें संलिप्त अपराधियों एवं प्रकरणों में फरार व इनामी बदमाशों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध राजेश हिंगड़कर एवं पुलिस उपायुक्त अपराध शाखा निविश अग्रवाल के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अपराध शाखा गुरुप्रसाद पाराशर द्वारा शहर में हत्या एवं अन्य गंभीर अपराधों संबंधित घटनाओं की पतारसी कर वारदातों पर अंकुश लगाने एवं ऐसे आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु अपराध शाखा की टीमों को निर्देशित किया है। इसी कड़ी में कार्यवाही के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना चंदिया जिला उमरिया में वर्ष 2019 में पंजीबद्ध अपराध धारा 302, 406, 295, 447, 216, 34 भादवी के आरोपी पवन पाठक उर्फ शूटर पवन शर्मा पिता बद्री प्रसाद पाठक निवासी साउथ करौंदिया जिला सीधी मध्य प्रदेश उक्त प्रकरण उद्घोषित इनामी होकर घटना दिनांक से फरार था, जिसे मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए क्राइम ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा उत्कृष्ट सूझबूझ से आरोपी को 3 किलोमीटर पीछा कर घेराबंदी करके पकड़ा। आरोपी से प्रारंभिक पूछताछ एवं आपराधिक जानकारी निकालते पता चला कि आरोपी के विरुद्ध 5 हत्या के अपराध सहित हत्या के प्रयास, लूट, अवैध वसूली, अपहरण, मारपीट, आर्म्स एक्ट, NDPS एक्ट जैसे कई गंभीर अपराध महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य में पहले से पंजीबद्ध हैं। आरोपी अपराध कायम होने के दिनांक से ही फरार चल रहा था और काफी समय तक पुलिस की पकड़ में न आने की आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस के द्वारा कुल 30,000 रुपये इनाम की भी उद्घोषणा की गई थी। आरोपी के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई विवेचना के आधार पर थाना चंदिया जिला उमरिया पुलिस के द्वारा की जा रही है। जाएगा। देखो देखो साले गुंडा को, देखो देखो कौन साले को मारो, साले को मारो, साले को मारो, साले को मारो, साले को हरकत है ये काट रहा है, काट रहा है, काटा साला, काट दिया दिन में भी। ठीक है सर, हमको सूचना मिली थी मुखबिर से कि उमरिया जिले से 302 में फरार एक आरोपी, करीब 3 साल से वहाँ से फरार था, वो यहाँ पे इंदौर में है और पवन पाठक उसका नाम है, वो वहाँ से मर्डर के केस में फरार है, तो उसको यहाँ पे उसको घेराबंदी की गई है उसकी और पकड़ा गया है और जो है उसके बारे में और पता किया गया तो वो राजनांदगांव के अपहरण के केस में भी इन्वॉल्व रहा है। शहडोल जिले में भी उस पर हत्या के अपराध कायम है, कुल उस पर 20 से ऊपर अपराध कायम है और जो है उमरिया जिले से भी उस पर 30,000 रुपये का लगभग इनाम भी है
तो इन सभी चीज़ों के बारे में और पता किया जा रहा है। सर, इंदौर में किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए आया था या कुछ जानकारी है? ये यहाँ पे कोई रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से आया था, तो तब हमको इन्फॉर्मेशन हाथ लगी कि जो है ये कुख्यात गैंगस्टर है और जो है वहाँ से फरार भी चल रहा है। इस पर उमरिया जिले से लगभग 30,000 रुपये बनेंगे। अभी प्रारंभिक जांच में क्या कुछ मिला है इसके पास? अभी तो इसकी जो संबंधित पुलिस है खबर कर दी गई है, वो लोग जो है इसमें कार्रवाई करेंगे। सर, कितने दिनों से यहाँ पर था या किसी घटना को अंजाम देने के लिए अभी कुछ समय से यहाँ पर रह रहा था? इसी प्रारंभिक पूछताछ में जो आया वो यहाँ पर कोई रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आया था और जो है उसी दौरान जो है इसकी सूचना हमें लगी। सर,